मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माय नेम, और यहां से उसने इस कॉर्पस में से सिर्फ वही रेलेवेंट आंसर निकाल के मुझे दिया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लेके आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक चैट जीपीटी जैसा एक मॉडल मैंने बनाया है। बेसिकली उस एप्लीकेशन में बेसिकली आप जो है अपना कस्टमाइज डेटा यूज करके और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप चैट जीपीटी के साथ करते हैं। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे और अपने डेटा के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर करेगा। तो आप अपना कोई भी डेटा इसको जो है दे सकते हो और उस डेटा के ऊपर जो है ये आपको आंसर करेगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा, उसके बाद आई कैन गिव यू आइडियाज कि आप इसके ऊपर फर्दर कैसे बिल्ड ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मेरा एक कोड है और बहुत ही सिंपल कोड है। सबसे पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने दो मेजर लाइब्रेरीज का यूज किया है, ट्रांसफॉर्मर और स्ट्रीमलीट। कोड के ऊपर बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं इसको चला लेता हूँ। चलाने के जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास एक जो है यूआई इंटरफेस खुल जाता है। यूआई इंटरफेस खुलने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि रनिंग, तो ये अभी जो है बैकएंड में रन हो रहा है। और जैसे ही ये रन हो जाएगा तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूआई आ गई है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप कॉर्पस टेक्स्ट आपको डालना है। कॉर्पस टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये यह है कि आप किस डेटा में से मतलब आंसर ढूंढ रहे हो। तो क्योंकि मैंने ये एक बेबी प्रोजेक्ट के टाइप से बनाया है, तो इसमें बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट डेटा दे सकते हो और उस डेटा में से फिर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट डेटा इसको देता हूँ, जैसे कि माय नेम इज मनदीप सिंह एंड आई लिव इन दिल्ली। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई हैव 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट। सो मैं अगर इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरा कॉर्पस है, उसके बाद मैं अब इस डेटा के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे कि व्हाट इज माय नेम। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट जाएगी मॉडल के पास, ये टेक्स्ट कॉर्पस टेक्स्ट और ये क्वेश्चन दोनों जाएंगे और ये फिर मुझे आंसर कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माय नेम, और यहाँ से उसने इस कॉर्पस में से सिर्फ वही रेलेवेंट आंसर निकाल के मुझे दिया है, माय नेम इज मनदीप सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लेट्स से मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज माय प्रोफेशन, तो मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज माय प्रोफेशन। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड ऑन टॉप में आप देख सकते हो, जब ये रन होता है तो यहाँ पे एक आइकन बन के आता है रनिंग का। इसने आंसर भी दे दिया है कि माय प्रोफेशन इज आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो ओके, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर डू आई लिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो ये मुझे इसको मेरे को आंसर देना चाहिए कि आई लिव इन दिल्ली। तो ऐसे ही कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जैसे हाउ मच एक्सपीरियंस डू आई हैव इन कॉर्पोरेट। अब इसको मुझे 12 ईयर आंसर करना चाहिए अगर ये मेरे करेक्ट आंसर कर पा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है इसने, 12 ईयर ही दिया है। तो ये तो डेमो था। अब इसको आप, ये मैंने एक छोटा सा सैंपल सा कॉर्पस टेक्स्ट दिया था। आप कुछ भी कितना भी डेटा दे सकते हो, जैसे कि आप कोई फाइल से रीड करवा के डेटा दे सकते हो, या बैकएंड पे कोई फाइल रख सकते हो, या किसी डेटाबेस से रीड कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और फिर उसमें आप जो है उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ के आंसर कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जैसे कि हगिंग फेस के ऊपर बहुत सारे प्री ट्रेंड मॉडल हैं, उनमें से एक प्री ट्रेंड मॉडल जो है ये वाला मैंने यूज किया है, डीप सेट रोबर्टा बेस स्क्वाड 2। सो ये मॉडल बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग के लिए है। सो इस मॉडल को मैंने कैसे यूज किया, अब आ जाते हैं कोड के ऊपर। कोड के ऊपर एक बहुत ही सिंपल दो फाइल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड थी उनको यहाँ पे मेंशन किया और उनको सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया। requirement.txt में आप फाइल का नेम, जो लाइब्रेरीज का नेम डालिए और उनको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपका एनवायरमेंट रेडी हो जाए तो आपको सिंपल सिंपल प्लेन कोड लिखना है। अब स्ट्रीमलेट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं अगर फ्लास्क यूज करता तो फिर मुझे एक बैकएंड अलग से लिखना पड़ता, फ्रंट एंड के लिए अलग से लिखना पड़ता। स्ट्रीमलेट में थोड़ा ईजी है कि आप जो है चीजें एक साथ ही कर सकते हो। तो
यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी से एक कोड वॉक थ्रू करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने स्ट्रीम लीड को एज एस एस टी इम्पोर्ट करवाया है, एंड एस टी डॉट टाइटल, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या टाइटल दे रहा हूँ मेरे वेब पेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर मॉडल, ये मेरा टाइटल है। उसके बाद फिर मैं जो टेक्स्ट इनपुट मैंने एक बनाया, दूसरा टेक्स्ट इनपुट, दो टेक्स्ट इनपुट बनाए हैं, ये और ये दोनों टेक्स्ट इनपुट बनाए हैं। अब फिर मैंने यहाँ से मॉडल नेम बोला है कि मुझे ये वाला मॉडल यूज करना है, और फिर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स आई हैव इंपोर्टेड पाइपलाइन। और फिर मैं जैसे कि मैंने बाकी की अपनी ट्यूटोरियल्स में भी यूज किया है कि पाइपलाइन का यूज करके आप मॉडल का नेम पास कीजिए और बाकी की डिटेल पास कीजिए, और जो है आपको एक मॉडल का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ से मुझे मॉडल का ऑब्जेक्ट मिल गया, और फिर मैंने एक सिंपल प्लेन डिक्शनरी इन ब्लैंक डिक्शनरी इनिशियलाइज करवाई, और उसमें क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन टेक्स्ट जो कि मेरे इस टेक्स्ट इनपुट से आ रहा है, और क्यू ए इनपुट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू माई कॉर्पस टेक्स्ट। कॉर्पस टेक्स्ट मतलब जिस डेटा में से मुझे आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल एक रिक्वेस्ट डिक्शनरी बनाई है, और फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ये दोनों, ये पूरी डिक्शनरी पास कर दी है, जिसमें क्वेश्चन भी और कॉन्टेक्स्ट भी, बेसिकली जो दोनों चीजें हम यूआई साइड से ले रहे हैं, ठीक है। और फिर ये मेरे को रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट बेसिकली ये जेसन के फॉर्म में देता है। अब उस जेसन में क्या क्या आता है, वो जेसन में कुछ और भी चीजें आती हैं, लेकिन एक की होती है उस जेसन में आंसर की, मुझे स्पेसिफिक वो, क्योंकि उसमें ही आंसर होता है। और अगर मैं आपको पूरा इसका रिस्पॉन्स का दिखाऊं, तो जैसे कि मैं इसको अब सेव करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोर्स फाइल चेंज रीरन। तो जैसे ही मैंने सोर्स फाइल चेंज करी तो यूआई पे इसने मेरे को दिखा दिया कि सोर्स फाइल में कुछ चेंज हुआ है, तो आप इसको रीरन कर दीजिए। तो जैसे ही इसको रीरन हुआ तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे इसने जो है सारी जेसन मेरे को दिखा दी है कि स्कोर क्या है। स्कोर मतलब कि 80.86 का मतलब 86% मॉडल श्योर है कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही है जो इसने दिया, आंसर इज 12 ईयर। और क्वेश्चन क्या था, हाउ मच एक्सपीरियंस डू आई हैव इनकॉर्पोरेट, स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से, मतलब इसका आंसर इस कॉर्पस में कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। सो 96 इंडेक्स से शुरू हो रहा है और 103 पे इंडेक्स पे खत्म हो रहा है। तो ये चीजें उतनी रेलिवेंट नहीं है अगर यूआई पे दिखाना है, आपको सिर्फ आंसर दिखाना है। बट अगर आप इसको आगे कहीं और यूज करना चाह रहे हो, आप एज ए जेसन के फॉर्म में भी डायरेक्ट पास कर सकते हो। यहाँ पे अगर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे आंसर पास कर सकते हो। सो आंसर पास करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ऐसे पास कर सकते हो आंसर, और जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा सोर्स फाइल चेंज, और मैं अगर इसको रीरन करूंगा तो फिर मुझे ये सिर्फ आंसर का जो वैल्यू है वो दिखाएगा, ये देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसमें जो है, आप आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, आगे की पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी एक बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल से, या पीडीएफ फाइल से, या आपका कोई भी डेटा कॉर्पस कहीं पे भी पड़ा है, मल्टीपल सोर्सेज से भी कनेक्ट करके जो है आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और आप इसके जो है एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आंसरिंग टाइप के फॉर्म वाला एक मॉडल बना सकते हैं, और एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये बहुत ही एक बेबी एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, और आप इसको जो है आगे फर्दर मेच्योर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस एंड न्यू न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। If you liked this content, please subscribe my channel and share it with your friends. Till the next video, bye bye, take care, thank you.